मैं आपको सबको ये बताना चाहूँगा कि पूर्व में पूर्व शासनादेश के अनुसार किसी भी खेल में सब जूनियर ग्रुप में अगर कोई भी खिलाड़ी कॉमनवेल्थ प्रतियोगिता में प्रतिभाग करता था तो उसको 50,000 रुपये खेल विभाग द्वारा दिया जाता था, लेकिन अभी वर्तमान शासनादेश के अनुसार ये घटाकर 2500 रुपये कर दिए, जिससे खिलाड़ियों का मनोबल बहुत हद तक गिर गया है। और हम यही उम्मीद करते हैं खेल विभाग से कि जो हमने आज चेक वापस किया कि उक्त धनराशि को पुनः जो है बढ़ाकर दिया जाए खिलाड़ियों को। उत्तराखंड एकमात्र एक ऐसा राज्य बना है जो सबसे कम स्कॉलरशिप देने वाला राज्य बना है पूरे भारत देश में। ये कहना चाहूँगी, मैंने 2015 में राष्ट्रीय स्तर पर कांस्य पदक अर्जित किया था, उससे मुझे 50,000 रुपये 2016 में मिले थे। फिर मुझे कॉमनवेल्थ में प्रतिभाग किया था क्योंकि मैंने कांस्य पदक अर्जित किया था इसीलिए, फिर मुझे उसकी 50,000 स्कॉलरशिप मिलनी थी तो उन्होंने धनराशि में मुझे दिया 2500, तो इससे मेरा मनोबल बहुत घटा है। तो क्या 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 रणनीति अपनाई है आपने? मैंने अभी तो ये DSO मैम को चेक वापस किया है कि मेरा बस ये मामला आगे तक खेल निदेशक को ये आगे तक जाए ये मामला कि मेरी सुनवाई हो। कितने का चेक था? 2500 का चेक था, मुझे हालांकि 50,000 मिलने चाहिए थे।